के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर एकत्रित सभी महानुभाव, सभी बल के जवान और देश भर में इस कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं सभी देश के नागरिक भाइयों और बहनों, आज यहां पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अलग अलग बल के जवानों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहां पर रहकर वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबुथू तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करकर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है और हमारे जवानों की देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठता का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 216 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्योछावर करे हैं। हमारा देश इन जवानों का